दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पूरा प्रश्न पत्र हल सहित देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि दोस्तों आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो इसी प्रकार से प्राप्त होते रहे। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए देखते हैं और पूरा हल सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरा प्रश्न पत्र आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा अंग्रेजी का पेपर हल सहित बताने वाला हूँ, पूरा उत्तर सहित। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सर्वप्रथम अगर देखें दोस्तों तो जो आपका पेपर होगा पूरा आप इसको देख सकते हो, प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं है दोस्तों अंग्रेजी विषय का। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो मैक्सिमम मार्क आपको 80 अंकों का मिलेगा और समय मिलेगा दोस्तों आपको 3 घंटे का। तो चलिए पूरा इसको हल से ही देख लेते हैं। तो दोस्तों ये पैसेज है पूरा, आप इसको सावधानीपूर्वक पढ़ सकते हो, पर पैसेज में न समझते हुए हम पूरा इसको समय की पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए हम इसके प्रश्न और उसके उत्तर देखते चलते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें दोस्तों तो ये रहे इस पैसेज के प्रश्न। तो चलिए हम बराबर बिना किसी देरी के इसके प्रश्न और उनके उत्तर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों तो पहला प्रश्न दिया गया है, विच आर टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लें। तो आगे अगर बढ़ें तो आप अगला देख सकते हो, व्हाट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जिसका आंसर होगा तो इसका आंसर भी डी वाला आ जाएगा, द प्रोग्रेस बाय, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले। और तीसरे की बात की जाए दोस्तों तो तीसरे का भी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक इस पेसेज के 3 क्वेश्चन और उनके आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देख लेने के बाद में आपका कुछ भी सॉल्यूशन इसमें से बाकी नहीं रहेगा, तो इसलिए प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखें, पूरा आसानी से मैं आपको सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझा दूंगा। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, तो चौथे क्वेश्चन का दोस्तों बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले, चौथे का बी वाला राइट आंसर है। और पांचवे की बात की जाए दोस्तों तो पांचवे का अगर आंसर देखा जाए तो पांचवे का आंसर दोस्तों सी वाला होगा, इनेबल, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले। और छठे की बात की जाए दोस्तों तो छठे का जो आंसर होगा दोस्तों वो अल्टरनेट होगा, ए वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अभी तक के 6 प्रश्न और उनके आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, तो आगे देखा जाए दोस्तों तो कुछ प्रश्न और ये भी दिए गए हैं, तो इनके आंसर भी हम देख लेते हैं। तो सातवें प्रश्न की अगर बात की जाए दोस्तों तो सातवें प्रश्न का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला ही होगा, ऑटोमेशन, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले। और आठवें की बात की जाए दोस्तों तो आठवें का जो आंसर होगा वो कंप्यूटर्स होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये भी आपने नोट कर लिया होगा। और नवे की बात की जाए दोस्तों तो नवे का ए वाला राइट आंसर होगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले, तो ये पूरा आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। और दसवें की बात की जाए दोस्तों तो दसवें का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिएगा। तो ये पूरा पैसेज हल दोस्तों हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। और आगे अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको नोट मेकिंग समरी बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि आपको इसी जगह पर इसके वीडियो के अंत में एक थंबनेल दिखेगा, आप उस थंबनेल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि नोट मेकिंग समरी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर मैंने डाल रखा है। तो आप उस वीडियो को देख लें, इसके बाद में आप नोट मेकिंग समरी आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने नोट मेकिंग समरी भी बनाना सीख ली होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 2 तक का हमने पूरा सॉल्यूशन अभी तक हल कर लिया था। अब चलिए अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये क्वेश्चन रहे क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इसका जो हम करेंगे हल करेंगे वो ये वाला होगा। आप पूरा एक बार इसको पूरा समझ लें, इसके जो जो भी टॉपिक है इन सभी के क्वेश्चन के उत्तर में आपको एक ही साथ में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका ये जो अंडरलाइन करके बताया है, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन सेव ट्रीज, ये वाला हम हल करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर
चार की बात की जाए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर चार अपन ये वाला हल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार इसका क्वेश्चन देख ले। और अगर आगे बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच की, तो क्वेश्चन नंबर पाँच में दोस्तों एक कोरोना ए पेंडेमिक, हम ये वाला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम जो करने वाले हैं वो एक ही साथ में हम क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर चार और क्वेश्चन नंबर पाँच के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं फटाफट इनके आंसर। तो जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर तीन का और वाला आंसर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन का और वाला जो था उसका ये आंसर है। सेव ट्री के ऊपर आपको एक ऐसा पोस्टर बनाना था, तो पूरा का पूरा पोस्टर दोस्तों आप इस प्रकार से बना के वहाँ पर आना है। तो पूरा आप कॉपी में आपको इस प्रकार का पोस्टर बना देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन का और वाला आंसर आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को रोक कर भी आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये भी आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे दोस्तों आपसे क्वेश्चन नंबर फोर में लाउड स्पीकर का एप्लीकेशन पूछा गया था। तो दोस्तों ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर फोर में लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन पूरी। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना नाम जरूर चेंज करना है और किस कलेक्टर को लिखना है ये जरूर आपको चेंज कर लेना, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो पूरा आपका ये आंसर है दोस्तों, ये पूरा आप इसको इस प्रकार से एप्लीकेशन लिख के आनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये पूरी एप्लीकेशन आपको अच्छे से याद हो गई होगी या आपने इसको अच्छे से लिख लिया होगा। ये पूरी एप्लीकेशन है दोस्तों, आप पूरा इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों पूरी बैन ऑन लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन पूरी आपने नोट कर ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, आपको मैं पूरा सॉल्यूशन प्रत्येक विषय का इसी प्रकार से प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए। तो चलिए ये हमने देख ली है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच जो अपना था इसमें एक कोविड 19 ए पेंडेमिक। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँच के डी में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ पूरा लिखना था। तो ये दोस्तों पूरा पैराग्राफ है, आप इसको आसानी से पढ़ देख और समझ सकते हो। इस प्रकार से आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। इसके अलावा कुछ पैराग्राफ का हिस्सा ये है, आपको पूरा ये लिख देना है। और इसके अलावा कुछ पैराग्राफ का हिस्सा ये रहा, आपको ये भी लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों पूरा आपने इसको समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच तक का अभी हमने पूरा अंग्रेजी का सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः कि क्वेश्चन नंबर छः में क्या पूछा जाएगा और क्या और किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः से दोस्तों आपकी सेक्शन सी शुरू होता है जिसका नाम है ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से हम विधिवत रूप से सारी ग्रामर हल करेंगे वन बाय वन करके। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अंतिम समय तक वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो पहला वाला जो दिया गया है हिज ब्रदर इज MLA, तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आपको N भरना है, आप इसको अच्छे से देख लें। और दूसरे वाले की बात की जाए दोस्तों, तो दूसरे वाले में आपको एस भरना है, आप इसको भी अच्छे से देख ले। तो दोस्तों दो क्वेश्चन की अभी तक अपन ने इसमें से कर लिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे की तरफ देखा जाए तो आप ये देख सकते हो ही इज गुड इन इंग्लिश। तो दोस्तों इसमें ये वाला करना है, आप इसको हल करके देख लें। ही डिड नॉट बाई एन एप्पल, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा एनी, तो आप इसमें एनी भर के आइएगा। नो सुना डिड द बॉय सी द कोबरा देन ही रन अवे, तो दोस्तों इसमें ये देन वाला आएगा, आप इसको हल कर लें। यू नॉट टॉक इन लाइब्रेरी, तो इसमें दोस्तों केन आएगा, यू कैन नॉट टाई टाक इन लाइब्रेरी। तो आपने पूरा इसको नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले अगर देखें दोस्तों, तो सेक्शन डी में आपसे डूएज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। वैसे तो डूएज डायरेक्टेड के भी मैंने यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का एक एंड स्क्रीन वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके सभी प्रकार के डूएज डायरेक्टेड सीख सकते हो। पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर पूरा सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले पहला वाला, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, कई बच्चे इसमें गलती करके आते हैं जबकि इसका राइट आंसर ये होता है दोस्तों। पूरा आप इसको देख जरूर लीजिएगा। चलिए पेंसिल की नोक को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, तो हर ड्यूटी। उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। चलिए अब अगला देख लेते हैं।
तो अगला अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये सो दैट की जगह टू टू का प्रयोग करना है इसमें। इसमें सिंपली करना है कि आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये सो को हटाना है, इस सो की जगह पर आपको बड़ा वाला टू, ये वाला टू लिख देना है। और इसके बाद में दोस्तों डेट से लेके ही के नोट तक का पूरा हटाना है और इसकी जगह पर छोटा वाला टू आपको लिख देना है और शेष वक्य यथावत लिख देना है। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस बनेगा कैसे। सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू स्टैंड, टू स्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये पूरा आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो अगले की बात की जाए दोस्तों, तो ये इसमें एपनलेस का प्रयोग पूछा गया है, आपको सिंपली क्या करना है, चलिए मैं बताई देता हूँ। आपको इप को हटाना है और उसकी जगह पर अनलेस लिखना है। इसके बाद में यू ऐसा कैसे ही आएगा, इसके बाद में डू नॉट हट जाएगा और वर्क हार्ड ऐसा कैसे ही, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड और इसके बाद में यू विल फेल, तो यू विल फेल। तो आपका पूरा ये इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला देख लेते हैं। द मैन हैड नो कम इन फोर टू डेज, तो इसमें दोस्तों आपको क्लॉज बनाना है, रिलेटिव क्लॉज। तो ये कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, आप पूरा देख ले। द मैन हू, द मैन हू ब्रिंग्स, द मैन हू ब्रिंग्स पोटैटोस, पोटैटोस इसमें ई एस ओ लगा लेना यहाँ पर, पोटैटोस हैड नॉट कम, हैड नॉट कम फॉर टू डेज, फॉर टू डेज। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। पांचवे की बात करते हैं दोस्तों, तो पांचवा भी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। आई एम सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज, तो ये इस प्रकार से ये बन जाएगा दोस्तों न्यूज। और इसके बाद में आपको यहाँ पर डॉट लगा देना है। और अगला देखे दोस्तों, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये बनेगा आई हैड ए लॉट ऑफ, आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम, आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो दोस्तों इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो दोस्तों सेक्शन सी तक का हमने पूरा हल कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं सेक्शन डी की। तो फटाफट आप सेक्शन डी के भी आंसर नोट करते चलें। सेक्शन डी की बात की जाए दोस्तों, तो फर्स्ट वाला जो पैसेज है आपको ये पूरा पैसेज पढ़ लेना है। पैसेज पढ़ लेने के बाद में इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर नोट करते चलें। तो इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव लाइंस बीन टेकन, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द रेड ट्रैप। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजर, तो आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले। और तीसरे की बात की जाए दोस्तों, तो तीसरे का स्टे अलाइव हो जाएगा, आप पूरा इसको देख सकते हो। चौथा दिया गया है दोस्तों, हु इज ऑथर द अथर ऑफ द कैप चैप्टर, तो ये आपको बताना है दोस्तों किसका अथर कौन है। तो सेल्मा ये है दोस्तों, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लें। और पांचवी की बात की जाए दोस्तों, तो पांचवे में दोस्तों आपका स्पार्कल आ जाएगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों पूरा आपने ये नोट कर लिया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला पैसेज। तो दोस्तों ये आपकी एक तरह की पोएम होगी जिसमें से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। द पोएट्स इज ड्राइविंग ऑन विच डे, किस दिन वो यात्रा पर थी, तो दोस्तों फ्राइडे पर थी, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले। हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएट्स, उसकी पोएट की तरफ कौन बैठी हुई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हर मदर। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, पोएम इस पोएम का नाम क्या है दोस्तों, तो इस पोएम का नाम है माई मदर 866। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 तक का हमने पूरा सोल्यूशन ढूंढ लिया है। तो अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़े दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपको इसी क्वेश्चन के बी वाले पार्ट में भी एक ऐसा पैसेज दिया जाएगा जो कि आपका 4 अंक का होगा। तो चलिए अब इसको भी हल करके देख लेते हैं बराबर। तो चलिए इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेयर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट आईएएस प्रोग्राम, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला ही होगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लें।
और अगला अगर देखा जाए दोस्तों तो सेकंड वाले का जो आंसर होगा दोस्तों वो सी वाला होगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले। और अगर आगे बढ़ा जाए दोस्तों इसी क्रम में तो अगला जो पैसेज क्वेश्चन होगा तीसरा, तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों बी वाला राइट आंसर होगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले। और चौथे की अगर बात की जाए दोस्तों तो चौथे का दोस्तों ए वाला राइट आंसर होगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले। दोस्तों अभी तक अपन ने आपके पेपर में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का हमने पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे दोस्तों जो ये प्रश्न हैं ये सभी आपके पाठ के आधार पर प्रश्न हैं, जो कि ये 10 नंबर के हैं, तो ये सभी आपको देख लेने हैं। और आप चाहे तो इसका सॉल्यूशन खुद भी बना सकते हैं। अगर मैं सारी चीज़ें इसी वीडियो में ऐड करूँ तो उससे वीडियो की लंबाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी आप देख पा रहे हो कि वीडियो की लंबाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो अभी तक आपके पास में जो भी अध्ययन सामग्री है आप उनमें से इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ कर लिख सकते हो, या फिर मैं भी एक अलग से वीडियो के ऊपर इन सभी प्रश्नों के उत्तर बना के डाल दूंगा। अगर आपको इनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं आपको सभी के इनके भी उत्तर तैयार करके दे दूंगा। तो आप पूरा इसको देख लें और आप एज पॉसिबल इन सभी के उत्तर भी बना लें। और अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक अलग से वीडियो में मैं आप सभी को इनके उत्तर भी दे दूंगा। दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे और मस्त रहे। दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। नमस्कार।